संडे हो या मंडे, रोज खाओ रंगीन अंडे। खट्टी मीठी रसोई आप सबका स्वागत करती है। तो आज हम लोग बनाएंगे, जैसे बच्चे किंडल चॉकलेट्स खाते हैं ना, तो सेम हम वैसे ही किंडल एग्स बनाएंगे। वो भी हमारे छोटे छोटे बच्चों की आज फरमाइश थी। किंडल एग्स बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे उबले हुए अंडे, ठीक है। फिर हम लेंगे पनीर, हरी शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च, येलो शिमला मिर्च, नमक, भुना हुआ जीरा, कुछ कलर्स हैं, ये हमारे फूड कलर्स हैं, ये प्याज, हरी मिर्च, और ये कैंडी टमाटोज हैं छोटे, और ये लास्ट में सैलेड पत्ता। बस इतनी ही सारी चीज़ें हमें यूज़ करनी है। पहले हम ये जो उबले हुए अंडे लिए हैं इनको थोड़ा सा ऊपर से कट करेंगे, इस तरीके से ये हमने कट किया, और इसके बीच में से इसको हमने इसका येलो पार्ट निकाल लेना है। ये हमने येलो पार्ट इसका निकाल लिया, ऐसे ही इसमें से निकाल लेंगे, ऐसे दूसरा पीस करेंगे। इस तरीके से हम ये पूरा इसका येलो पीस निकाल लेंगे। ये हमारे पीसेस ऐसे निकल गए हैं। देखिए अंडे छील के हमने अलग कर लिए थे, तो अब हमने व्हाइट पार्ट उस अंडों का अलग कर लिया है और येलो पार्ट इसका हमने अलग कर लिया है, ठीक है। ये हमारा येलो पार्ट है और ये हमारा व्हाइट पार्ट है। अब हम अपनी पसंद के कोई भी कलर्स ले सकते हैं, तो जो आपकी पसंद के कलर हो और बच्चों की पसंद के आप वही कलर लीजिए, ठीक है। ये हमने ग्रीन कलर लिया, ये ग्रीन है। अब हम इसमें ये ऑरेंज कलर डालेंगे, ये ऑरेंज कलर डाला हमने, और तीसरा कलर हम डालेंगे ये है पिंक कलर, ये मेरा फेवरेट कलर, ठीक है। ये हमने डाल दिया, अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। बस आधी आधी कटोरी तक आपने पानी भरना है, इस तरीके से। तीन कलर्स और तीनों में ये अंडे डाल दी देंगे। ग्रीन में पहले डालते हैं, इस तरीके से ये डाल दिया, ये हमने ऑरेंज में डाल दिया, और ये हम लेंगे पिंक कलर, इसके अंदर भी आपने इसको डाल देना है, ठीक है। इसको अच्छे से डिप कर दीजिए, इसको आपने 5-7 मिनट तक रखिए, ठीक है। इसको इस तरीके से डिप होने दीजिए, बड़े अच्छे कलर्स आ जाएंगे, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा ये, ठीक है। अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब येलो पार्ट में हम क्या करेंगे, ये हमने येलो पार्ट ले लिया, इसे हमने इस तरीके से मैश करना है। और इसी के अंदर हम हरी मिर्च और ये प्याज डाल देंगे, और थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार हल्का सा डालना है, और भुना हुआ जीरा। ये हमारी स्टफिंग इसकी तैयार हो रही है, इस तरीके से। आप देखिए नेक्स्ट स्टेप भी हमारा शुरू हो गया है। ये हमने इसके, हम तीन अंडों का कर रहे हैं, तो तीन हमने ये सैलेड पत्ते ले लिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने इसी को ही लेना है, नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे चेरी टमाटर्स, इसको इस तरीके से बीच में से काटा, इसमें ये डाला, टमाटर डाला, फिर हम कंट्रास्ट करेंगे, ठीक है। फिर हमने ग्रीन ली पत्ती, देन रेड शिमला मिर्च, येलो शिमला मिर्च, पनीर, और ये सैलेड पत्ता, ठीक है। इस तरीके से हमने ये अपनी
तैयार करके रख लेनी है। ऐसे ही दूसरी देखा, आसान है ना, कोई मुश्किल नहीं है, देखने में भी सुंदर लग रही है और बनाने में भी बहुत आसान है। आप लोग बना सकते हैं, बच्चे भी बना सकते हैं। जब बच्चे देखेंगे, जिन बच्चों की फरमाइश है, वो तो सबसे पहले यही बनाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं हमें अंडे डिप किए हुए कलर्स में, तो अब हम इन अंडों को निकाल लेंगे और इसको हमने टिश्यू पेपर पे रख देंगे जिसे ये सारा पानी सोख कर लें। देख रहे हैं कलर्स कितने अच्छे आ रहे हैं अंडों के, बिल्कुल नई डिश है ये, बच्चों की छोटे छोटे बच्चों की फरमाइश थी। इस तरीके से हमने ये निकाल लेने, ये हमने बाहर निकाल लिए अंडे। देखिए अब हम इसके अंदर अपनी स्टफिंग भरेंगे। इस तरीके से आपने ये स्टफिंग भरनी है और इसको इस तरीके से यहाँ पर लगा देना। ऐसे ही येलो, ये अब हमारा लास्ट स्टेप है, वो भी बच्चे देखेंगे कितनी आसानी से एक सारा काम हो गया है। इसको हमने डाला, जो हमने स्टिक्स बनाई हुई थी उसके अंदर हमने इसको इस तरीके से लगा के, ठीक है, और एक पत्ता आप लगाइए इस तरीके से, हमारा ये तैयार हो जाएगा। देख रहे हैं, ऐसे ही ऑरेंज के ऊपर आप लगाएंगे। ये हमारा ये लास्ट वन, देखिए दूर से लगेंगे, गुड्डे रखे हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो कैसे लगे हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों की किंडल एग्स? मेरे को लगता है आप बच्चों को बहुत पसंद आई होगी। आप लोग खुद बनाना बच्चों ये, और अपने कमेंट बॉक्स में मेरे को अपनी राय देना। थैंक यू, बाय।